जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज, यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहनों भाई, हमारा आपका जो वार्तालाप है, हमारे जो आपके संबंध बने हैं, वह है श्री अपर रामचरित मानस का उत्तरकांड। उत्तरकांड में परम आदरणीय और परम श्रद्धे हमारे ग्रहण जी और कालभूषण जी का जो सत्संग है, उसी का थोड़ा सा रूपांतर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसी के ज्ञा से आगे बढ़ रहा हूँ। कोरोना में थोड़ा सा हम अध्यात्म में कुछ ज़्यादा ही आगे हैं। मैंने अपने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, देखिए मेरा तो माइनस मान के मानिए, माइनस पॉइंट माइनस जीरो जीरो करके थोड़ा सा है जो मैंने देखा है। हमारे ऋषि जो मुनि हैं, जिन्होंने तपस्या की है, जहाँ पर हैं वो, उनके मुकाबले तो हम आप कुछ है ही नहीं ना। अच्छा, हम कुछ पढ़ते भी नहीं, कुछ जानते भी नहीं। अच्छा, कुतर्क करने में सबसे आगे हम, तर्क नहीं करेंगे, कुतर्क करने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन मैं अपने जीवन का धर्म बता रहा हूँ, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो त्यौहार हैं, हमारे जो पर्व हैं, हमारा जो भाईचारा है, ये सब हमारे हमारा जो सनातन धर्म की परंपरा है, यहाँ तक हमारी जो वर्णमाला है। आज मैंने वर्णमाला का अध्ययन किया है, उसमें देखा था मैंने वर्णमाला का जो है, हमारी चाहे संस्कृत की वर्णमाला है, चाहे हिंदी की वर्णमाला है, जो राह है, राह का उच्चारण जो है ना, हमारा स्वर ऊर्जा से संबंध होता है। और हमारी जो सूर्य ऊर्जा का संबंध है, वो पिंगला नाड़ी जो है, हमारी जो है दाएं हाथ की जो रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ में उसका संबंध है। और बाएं हाथ में जो है चंद्र, जिसको कहते हैं ईड़ा नाड़ी है, उसका इसका संबंध है। तो आपका तो सामंजस्य होता है ना, इसीलिए कहा हुआ है कि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, राम नाम की औषधि खरी नियत से राय, अंग रोग व्यापे नहीं और महारोग मिट जाए। ये इंगला और पिंगला जो नाड़ी, इंगला और ईड़ा, पिंगला और ईड़ा जो नाड़ी है ना, यही तो कहा हुआ ना, हर सांस में जो है राम नाम का उच्चारण लेंगे, आपके सारे रोग अपने आप ही निकल जाएंगे। भ्रकुटी विलास और श्रेष्ठ लय हुई, जिनके भ्रकुटी मात के सारे मात्र से, इनके थोड़ा सा मनोरंजन करने से हजारों हजारों देश बन जाते हैं, हजारों देश बर्बाद हो जाते हैं। तो ये राम नाम लिखा हुआ है, ये भाई ये राम बाण औषधि है, देखा है ना आपने। आप वैद्य के पास जाएंगे, राम बाण जी औषधि, आप किसी में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप इसे हमारे मन में है लेकिन हम कर नहीं पाते। तो ये राम नाम का जो उच्चारण है, ये हमारे हजारों रोगों को दूर कर देता है। पिंगला, अब ये तो सूर नाड़ी दाएं हाथ की, चंद्र नाड़ी बाएं हाथ की, ये तो आपने पता ही होगा ना, जब हम लेते हैं सांस जाती है, सांस आती है, तो सभी के सार काम हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं। राम नाम के उच्चारण पर आगे बात करेंगे, जो हमारा थोड़ा सा रह गया है उत्तर जो कलयुग का जो वर्णन का, उसको आप चलते हैं। आज अबला कच्च भूषण भूरी छुदा, अबला मंस स्त्री, महेश्वर गुप्त ने कहा ना, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों पानी, सीम्स टू बी रॉन्ग, शिवा सहज भाई सहज मरकरी, वो कहाँ जमाने चले गए, सब कुछ चेंज हो गया है। लेकिन हमारी जो परंपरा है वो आज भी हैं, उस जमाने में युद्ध में लड़ने के लिए जाया करती थी स्त्री हमारी, क्योंकि आपने सुना होगा हाथ दे दिया था उंगली से, रथ की उंगली को रोकना कोई मामूली बात नहीं है, ये इतनी बहादुर हमारी स्त्री समाज था उस जमाने में। मुगलों के और अंग्रेजों के जमाने हमारी स्त्रियों की बहुत दुर्दशा हुई, तभी तो उन्होंने लिखा है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। कच्च माने केश बाल, भूषण आभूषण, धूर बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा, तादाद से ज्यादा, छुदा। अब वो कहते हैं बाबा तुलसीदास लिखते हैं, अबला कच्च भूषण भूर छुदा, केवल स्त्रियों का जो है ना, स्त्रियों के ऊपर के बाल ही बाल रह गए, उनके आभूषण जो है बाल हैं और कोई नहीं है, और उनको भूख लगती है, अतृप्त रहती हैं, यानी शारीरिक, अब उन्होंने कह दिया क्लियर कर, शारीरिक उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए अतृप्त होती हैं। आपने देखो ना, इसको छोड़ के उसके पास, उसके छोड़ के उसके पास चले गए, कोई दिक्कत नहीं, समाज क्या कहेगा इसकी कोई चिंता नहीं है, आज शादी है और रात को उठ के चली गई, साहब देखा है ना आपने, ये तो हो ही रहा है ना,
ये समाज का जो विखंडन हो रहा है ये हम दे नहीं पा रहे ना। अगर हम देते होते, हमारे समाज को सुधारते होते तो आज ये बात हमारे समाज में होती नहीं। संस्कार हम दे ही नहीं पा रहे। अबला कच भूषण भूर सुदा, धनहीन दुखी ममता बहुदा। धन से दुखी है, धन है लेकिन उसकी आवश्यकता इतनी बढ़ गई है कि दो धन काम नहीं आ पा रहा। धनहीन दुखी ममता, ये ममता में, इसी शारीरिक ममता में लगी हुई है, कैसे हमारी भूख मिटे। बस धनहीन दुखी ममता बहुदा, बहुत ज्यादा ममताएं पाल रखी है। उसको लेके साथ पढ़ते हैं आपके साथ। अबला कच भूषण भूरे चुदा, सीताराम हरे सीताराम हरे। धनहीन दुखी ममता बहुदा, सीताराम हरे सीताराम हरे। अबला कच भूषण भूरे चुदा, सीताराम हरे सीताराम हरे। धनहीन दुखी ममता बहुदा, सीताराम हरे सीताराम हरे। इसी के साथ मैं आज जाग लेता हूँ। आगे के लिए फिर आपके साथ उपस्थित हूँगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।